गोरेवाड़ा आए थे अपन घूमने, हो गया अभी घूम के पूरा। ये निकल गए अभी अपन, ये राजकुमार है जो बेल्ट है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। ये देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है अंबाजरी, माय लव माय नागपुर, लव माय नागपुर। ये अभी अंबाजरी है, बारिश की वजह से थोड़ा ओवरफ्लो हो गया तो यहाँ पे क्राउड रहता है नागपुर में। और ये मेरे राइट हैंड साइड में है क्रेजी कैसल, जो था है नहीं, अभी टूट गया ये। अभी यहाँ पे मेट्रो का अभी ब्रिज बन गया है तो मेट्रो जा रही है ऊपर से। और लेफ्ट हैंड साइड में है अंबाजरी का लेक, पूरा ओवरफ्लो है वो तो अभी फिलहाल में। धर्मपेड़ महाविद्यालय स्टेशन है यहाँ पे। गेस करो कहाँ जा रहे होंगे अपन, गेस करो। अपन जा रहे हैं जू, जो नागपुर में ओपन हुआ है अभी। ओपन होके बहुत दिन हो गए वैसे तो, बट मुहूर्त आज का निकला है अपना। आज जा रहे अपन बहुत दिनों के बाद। वैसे कल गणेश चतुर्थी थी, गणेश जी आए कल, गणपति बाप्पा मोरिया। ये देखो यहाँ पे अंबाजरी का गेट, ये भी गार्डन ही है, ये है गेट अंबाजरी का। यहाँ से सीधा अभी आएगा फुटाला, वो भी दिखाता हूँ आपको, जो नागपुर का एकदम फेमस लेक है। नागपुर में अगर कोई लेक पे अगर सबसे ज़्यादा क्राउड रहता होगा तो वो फुटाला लेक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है। अभी नया नया बना है वाड़ी, जो नागपुर में ऐसा एक एरिया है वाड़ी करके, वाड़ी से सीधा ये बाईपास बना है, काटोल नाके की तरफ जा रहे हैं अपन अभी। और ये आजू बाजू का एरिया जो है राइट हैंड साइड पे, थोड़ा आगे जाने के बाद फ्रेंड्स कॉलोनी आता है, ये एरिया का नाम नहीं पता मुझे। और ये एक लेफ्ट हैंड साइड में ये बाईपास सीधा, अब भी नया नया बना है ये बाईपास। वैसे ये बाईपास की वजह से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया इंसान, जल्दी जाना आना हो जाता है। यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। हाँ, आगे में आएगा टोल टैक्स आएगा, जिसको काटोल नाका बोलते हैं, वहाँ से सीधा ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये है हमारा नागपुर, अपना नागपुर, ऑरेंज सिटी। पहुँच ही गए अभी अपन, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। ये है काटोल रोड, काटोल नाका जो है वो पार कर लिया है अपन ने। ये रोड सीधा जाता है, पहले कलमेश्वर जाता है, उसके बाद काटोल जाता है। यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर होगा जू का जो गेट है, मेन गेट। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर जू है करके, वैसे तो आना चाहिए लोगों ने देखने, बट अभी कोविड की वजह से भी यहाँ पे भी टाइमिंग था। अभी तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, सवेरे 8 बजे से 4:30 बजे तक का टाइमिंग है इसका, और रोज़ ही चालू रहता है, मंडे टू संडे 7 दिन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आने में। इतना ही है कि अगर प्रॉपर देखना है तो थोड़ा जल्दी आके पूरा देख के, अभी अंदर जाने के बाद दिखाता हूँ आपको कि कैसा क्या है यहाँ का। बस अपन पहुँच ही गए हैं, यही पे है। अभी एक राइट हैंड साइड पे ये गेट है, ये गोरेवाड़ा का गेट है। यहाँ से अगर अंदर जाते हैं तो लेक आता है,
बहुत बड़ा लेक है गोरेवाड़ा लेक करके, और लेफ्ट हैंड साइड में जू है। बहुत दिनों से आने का प्लान चल रहा था यहाँ पे, बट हो नहीं पा रहा था। फाइनली आज आ ही रहे यानी देखने आ ही गए अपन। ये दिख रहा है यहाँ पे पार्किंग एरिया दिख रहा है, बस पहुँच ही गया ये अपने लेफ्ट हैंड साइड में गोरेवाड़ा। बाड़ा साहेब ठाकरे के नाम पे है ये जू। गोरेवाड़ा चिल्लर है दे, हो दाखवा लगते ना 20 रुपये पार्किंग है यहाँ पे टू व्हीलर की। ये पार्किंग एरिया है टू व्हीलर। इथे ठेवणार नाही जमणार, मास्क काढून घे। हो एक मिनिट, रेकॉर्डिंग चालू आहे का बघ बरं। इथं रेड कॅमेरा चालू आहे का? कॅमेरा सुरू आहे। रेडवाला ना दिसत आहे ना? रेडवाला सुरू आहे खाली। देखते हैं अब यहाँ का कैसा क्या सीन है। बसेस खड़ी है यहाँ पे, टिकट काउंटर पे चेक कर लेते। सर कैसा क्या है यानी टिकट का? दो लोग हैं, 2 बजे का किधर चला था? 2 बजे का है ना? ठीक है ना, 640। दोन वाजता ठीक, इथूनच जायचं ना मग, इथूनच म्हणजे ओके सर। तोपर्यंत कुठे थांबायचं मग? मागे ओके थँक्यू सर। कसं काय? अच्छा कुठली ले?
अच्छा वीकेंड अलोन जास्त लग रहा है। एसी बस, नॉन एसी बस नहीं है ना? नॉन एसी गेलो तो 100 रुपये, नहीं 100। अच्छा ठीक है ना, पकड़ एक मिनट मोटा कैमरा काढ़ तो। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। गोरेवाड़ा आए अपन अभी, गोरेवाड़ा का बैठे यहाँ पे, ये टिकट है। वीकेंड पे आया करके 320 रुपया एसी बस का, और वीकडे रहता तो 240 रुपीज़ है। तो अभी अपन ने दोनों टिकट का 640 रुपये पे किया है। देखते हैं अभी 2 बजे बस लगने वाला है यहाँ पे। ये है गोरेवाड़ा, आपको दिखाता हूँ अभी गोरेवाड़ा क्या है करके। ये एंट्री गेट है गोरेवाड़ा का। ये टिकट काउंटर, टिकट निकाल ली अपने अभी यहाँ से। ये टिकट है, ये दो टिकट निकाली है अपन ने, 2 बजे आएंगे यहाँ पे बस, 2 बजे बैठेंगे उसमें। घूम रहे अभी यहाँ पे गोरेवाड़ा। गोरेवाड़ा घूम रहे अभी, पता नहीं कैसे क्या है, फर्स्ट टाइम आए गोरेवाड़ा। ये है लेट्स गो गोरेवाड़ा। ये शेर है अपने पीछे, आर्टिफिशियल शेर। बैठे अभी अपना 2 बजे का बस है, तो इतने जल्दी तो अभी जाना है नहीं, अभी टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। अब कितने यहाँ पे ही बस आएगी तो अभी देखते हैं कितने बजे जाना है, क्या जाना है। 2 बजे जाना है, बैठते थोड़ा टाइम पास करते हैं अभी। लाइट का थोड़ा इशू है यहाँ पे, मेरा ग्लासेस भूल गया मैं घर पे। धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत चिड़चिड़ी धूप है। अभी तक तो नॉर्मल टेम्परेचर था, अभी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ये है गोरेवाड़ा और यहाँ पे लिखा है लेट्स गो, लेट्स गो गोरेवाड़ा लिखा है यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको। अभी सफारी चालू होने की है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना ठाकरे साहब का नाम लिखा है। बड़ा साहब ठाकरे के नाम पे है गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू। वैसे तो अभी टाइम हो गया है अपना, अभी आएगी बस यहाँ पे, एसी बस है अपनी, 5-10 मिनट बाकी है। तब तक फोटोज़ निकाल लेते, फोटोज़ निकालने के बाद जाते अभी। अभी हो गया है, अभी कितने बजे था, वेट कर रहे बस का। हाँ 150 हो गया है, 10 मिनट और बाकी है। पीछे में शेर मेरे,
अच्छा जास्त गोरा गोरा ना दिसत आहे का? ब्युटी प्लस आहे काहीतरी, ब्युटी प्लस मोड है क्या इसमें पता नहीं, बहुत ज्यादा गोरे गोरे दिख रहे हम लोग, इतने है भी नहीं। यहाँ पे बैठे हैं टाइम पास करते हुए। हे तो बस इथे फुल व्ह्यू भेटन इकडून आपल्याला। बस में बैठ गया अपन, अभी चालू है। बस में बैठ गया अभी, ज़्यादा नहीं है ना। ये निकल गए अभी अपन सफारी के लिए, जंगल सफारी। मराठी हिंदी मराठी मराठी तर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। वन विकास महामंडळ अंतर्गत बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। कॉमेंट्री चालू आहे। तर लगेच आपल्या नागपूर सिटीच्या आपल्या नागपूर शहराला लागून लगेच जे गोरेवाडा फॉरेस्ट लँड आहे, 1914 हेक्टर परिसरात पथरलेला परिसर आहे आपल्याकडे। पण ज्या परिसरात निर्माण कार्य इथे करण्यात आलेलं आहे, त्या गेटचं वजन आहे 1500 किलो। ये अभी अपना आगे लेपर्ड सफारी, गेट है बाहर में लेपर्ड सफारी का, और ये एंट्री है। ये लेपर्ड तर आपली सुरक्षा, आपल्या सुरक्षेला खात्रीत घेऊन आणि प्राण्यांच्या सुरक्षेला खात्रीत घेऊन इथे डबल डोर लॉक सिस्टम दिलेला आहे। जोपर्यंत आपला मागचा गेट बंद होणार नाही, आता समोरचा गेट उघडणार नाही। ही ऑफिस आहे, यहां से गेट ऑपरेट हो रहा है। तर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे बेपट सफारी। इथनं सुरू होते आपली बिबट सफारी। 25 हेक्टर परिसरात इथे बिबटचे अधिवास आहे। या अधिवासात 5 बिबट सोडण्यात आले आहे। पण जे बिबट असतात हे लाजाडू प्राणी आहे आणि सोबत निसर्गातून मिसळून जाणारा कलर असल्यास सहजासहज आपल्याला बघायला मिळत नाही। तर आपल्याला सर्वांना मिळून सुद्धा हे आपलं जीव नाही आहे की म्हणजे 5000 स्क्वेअर फीट मध्ये एका बिबटला सोडलेलं आहे, पण तसं नाही। यहाँ पे बैठा है बिबट्या, लेपट बैठा है, लेपट जा रहा है। देख,
झूम कर असं कर पिंच कर पिंच पहला यहाँ पे बैठा है लेपर्ड फोटो आर्टिफिशियल बना के रखा है यहाँ पे सब जूम है बस है आगे में एक टनल आने वाली है आपल्या डाव्या बाजूला बघा जे सुंदर असं दृश्य आपल्या सोशल मीडिया तयार करण्यात आलेलं आहे तर या पक्ष्याला आपल्या नागपूरच्या सराउंडिंगला आपण बघितलेलं आहे का नाही बघितलं असेल आता की जवळपास 1999 दरम्यान एक आपल्या डोमेस्टिक ॲनिमलला म्हणजे आपल्या गुरांना आजारावरती आपण एक डायकोप्लेटिक नावाची मेडिसिन द्यायचं आणि आपले गुरं मरण पावले की आउटर एरियाला परिसराला फेकून द्यायचं ऍज अ सफाई कामगार जे गीत असायचे इंडियन वर्जन ज्याला म्हणतो आपण सडलेलं गळलेलं मांस खायचं आणि आपलं सराउंडिंग साफ सुथरं ठेवायचं आपण जे गुहेत शिरणार डाव्या आणि उजव्या बाजूला जी ते चित्रकारी भिंत चित्र दर्शवण्यात आलेली आहे तर आपले पूर्वज किंवा आदिमानव जे स्टोन शेल्टर्स मध्ये राहायचे तर त्यांच्या नॅचरल हॅबिटॅट मध्ये त्यांच्या नैसर्गिक सान्निध्यात कशा पद्धतीने प्राण्यांचा वास असायचा अधिवास असायचा ते इथे चित्रकारीच्या माध्यमातून दर्शवण्यात आलेलं आहे हे स्थित आहे मध्य प्रदेश भेटात प्रतापानी वाईल्ड सेंचुरी भीम बेटका मधली थीम इथे घेण्यात आलेली आहे आपण अभि आपल्या डाव्या बाजूला दोन अस्वली आहे नील गाय ये थोडा समोर गेलं ग्राउंड आहे राईट हँड साईडला त्याच्या बाजूची जी लेफ्ट हँड साईडची गल्ली आहे त्या गल्लीमध्ये पूर्व दिशेत जातो काय म्हटलं ठीक
पिकॉक राइट साइड में उजव्या बाजूला मोर है तर या बाजूला जो बसलेला आहे मोठा डोको जैसा है तो मेल है राजकुमार है आणि ते समोर जी बसलेली लहान लहान डोका जीचा ती फीमेल है ली है ती मैंने बोला था ये राजकुमार है जो मेल टाइगर है या ठिकाणी बर्ड पार्क स्नेक पार्क यासारखे छोटे छोटे ॲनिमल्स इथे घेऊन येणार आहेत आणि ते आपल्याला पैदल चालून सुद्धा इथे बघता येईल आपल्याला जवळपास 6 एकर परिसरामध्ये इथे निर्माण कार्य सध्या सुरू आहे त्यासोबत इथे फेज 3 ला सुद्धा परवानगी मिळालेली आहे फेज 3 म्हटलं तर आफ्रिकन सफारी आहे इथे आफ्रिकन सफारी जवळपास 90 हेक्टर परिसरामध्ये इथे निर्माण कार्य सुरू करणार आहेत तर आफ्रिकन सफारी मध्ये जिराफ झेब्रा लॉयन चिता यासारखे प्राणी सुद्धा इथे आणण्यात येणार आहेत वन विकास महामंडळ अंतर्गत बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा इंटरनॅशनल झूलॉजिकल पार्क मध्ये आपल्या सर्व मान्यवरांचं आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद सफारी खत्म वापस आ गए अपन अभी सफारी खत्म हो गई अपनी अभी उतर गए बस से अभी ये है बस अपनी फुल एसी बस थी अपनी कोई टेंशन नहीं ड्रिजलिंग चालू हो गई है थोड़ी बारिश चालू हो रही है फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं अभी यहाँ पे 2-4 फोटोज़ निकाल के फिर बढ़ते घर की तरफ पकड़ एक मी है ना एक एक ही दे तो एक बंद कर अभी घूम के पूरा अब ये बस है अपनी गोरेवाड़ा की घूम के हो गया पूरा अभी अभी देखते ये यहाँ पे क्या करते हैं तो कुछ खाना उनका तो खाएंगे तो अभी घर की तरफ चले जाएंगे चलो हो गया अभी जा रहे हैं यहाँ से घूम के हो गया पूरा वापस जा रहे हैं अभी टू व्हीलर रखी है अपनी यहाँ पे बैठते हैं और निकलते हैं बहुत मज़ा आया जिसको भी गोरेवाड़ा घूमना होगा तो घूमने आ सकते हैं अभी और वापस मोटो व्लॉगिंग मोड पे हेलमेट लगा के आ गए अपन वापस मोटो व्लॉगिंग मोड पे
रिटर्न जर्नी सही है वैसे तो, घूमने जैसा है, मज़ा आया गुरवाड़ा घूम के। ये एग्जिट गेट है ये गोरेवाड़ा का, यहाँ पे भी एक दो फोटोज क्लिक कर लेंगे अभी। एक फोटो काटू हो गया, वापस निकल गया है, पूरा घूम के हो गया। एक घंटे की सफारी है पूरी, ज़्यादा नहीं है। यानी 2 बजे की बस थी हमारी, 2 बजे बस आती है वहाँ पे, एसी बस थी पूरी अपनी और पूरा घुमाती है। यानी 3-4 सफारीज है उनके पास में, अभी पूरा काम होने का है यहाँ का। तो जो भी है, एक घंटा पूरा सफारी को लगता है। जब पूरा हो जाएगा तो 2 से 3 घंटा लगेगा, 2 घंटा तो भी लगेगा, अभी पूरा होने का है। तो जो भी था, यानी जितना भी घूमे बहुत ज़बरदस्त है। कोई जो भी आना चाहता है वो आ सकता है। तो बढ़िया प्लेस है, संडे को वगैरह, सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी है, अभी छुट्टियां रहती है तो आना तो चाहिए, मुझे लगता है वर्थ है प्लेस, माइंड फ्रेश हो जाता है थोड़ा और अच्छा लगा यानी घूम के, बढ़िया है। तो यही दिखाने वाला था मैं आपको, नागपुर का फेमस लेक फुटाला। यहाँ पे ज़्यादा अभी क्राउड नहीं रहता है, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है 1-1.5 साल से, 2 साल पकड़ लो, 2 साल से कंस्ट्रक्शन का काम ही चालू है यहाँ पे। क्राउड है वैसे तो, बट पहले जितना क्राउड रहता था उतना नहीं है अभी क्राउड। ये है तालाब फुटाला लेक, ये देखो राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है मेरे, वो कंस्ट्रक्शन चालू है यहाँ पे, दिखाता वो भी। ये है रोड का भी काम चालू था यहाँ पे, कंप्लीट हो गया है अभी। और ये है फुटाला तालाब, ये देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में कंस्ट्रक्शन। शॉप्स निकाल रहे हैं यहाँ पे पूरे, पूरा कंप्लीट होने के बाद तो बहुत जबरदस्त दिखेगा ये, बहुत सही है। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं अपना, बहुत हो गया। चलो टाटा, बाय बाय।